अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आईपीएल में भले विराट कोहली की टीम को अभी तक हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन विराट कोहली के चाहने वाले उनके हेयर स्टाइल में अपना बाल कटवाते देखे जाते हैं। लेकिन झारखंड के धनबाद के महुदा के समीप नगदा बस्ती में हेयर कटिंग सैलून चलाने वाले महेंद्र ने तो विराट के चहेतों के सर पर ही विराट का चेहरा बना अपनी कैंची का कमाल दिखा रहे हैं। महेंद्र सिर्फ कैंची का कमाल ही नहीं जानता, बल्कि वह पेंटिंग भी बनाता है। अपने सिर पर विराट का चेहरा बनवाने वाले उनके फैंस का कहना है कि उसे विराट का बल्ला और लुक बहुत पसंद है। हम सोच के ही करवाएं कि पूरा इंडियन प्लेयर है विराट कोहली, अच्छा खेल रहा है। हम लोग उससे दिल भर गया कि उसके सर पे कुछ ऐसा चित्र बनाए, तो सोचें तो उसका लुक ही हमको पसंद आया, अपने सर पे बनाए। वहीं कैंची के उस्ताद को गरीबी और परिवार चलाने की मजबूरी ने सैलून में ही अपनी कला को जीवित रखने पर विवश कर दिया है। महेंद्र बताते हैं, झारखंड के दो सीएम से आर्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाने की गुहार लगाई थी। सर, मेरा ये मकसद रहता है कि मैं अपने क्लाइंट को किसी भी हालत पे उनको सेटिस्फाई करके भेजता हूँ। उस काम के लिए भले ही मुझे कितना टाइम लग जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट करके भेजता हूँ, ताकि वो किसी और सैलून के बारे में सोचे भी नहीं। इसके लिए दूर दूर से कस्टमर आते हैं, धनबाद से आते हैं, बोकारो से आते हैं। तो ये सोच अभी तो जैसा कि सभी जानते हैं कि अभी विराट कोहली मशहूर है, बल्ला जो जिनका चलता है वही हीरो होता है, तो अभी उनका बल्ला चल रहा है और सैलून में आके सब बोलते हैं, जैसा कि सब जानते हैं कि मैं सिर पर किन्हीं का भी चित्र बना सकता हूँ, तो उस हिसाब से डिमांड है अभी विराट कोहली का ही चित्र बनाना सब चाह रहे हैं। दरअसल ऐसे कलाकार को सरकार को चाहिए कि आगे बढ़ने में मदद करे, ताकि अपनी इस कैंची के कलाकारी से दुनिया में अपना दम दिखा सके और देश का नाम रोशन करे। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।